ओम शांति। आपका प्रश्न है, समय की समीपता के अनुसार एवर रेडी स्थिति बनाने का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं कि जैसा जैसा समय नजदीक आ रहा है, हमें हर घड़ी एवर रेडी रहना चाहिए। अब यहाँ पर हर घड़ी एवर रेडी रहने का अर्थ है कि कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में हलचल में ना आकर उस परिस्थिति का सामना करना, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना। यहाँ पे कहीं बाहर घर से निकल कर भागने की बात नहीं है। कई बार कहते हैं कि शायद एवर रेडी का अर्थ ये कि कहीं पर भाग कर पहुँचने की बात होती है कि हाँ भाई आप तैयार हो और वहाँ पे पहुँच जाना। लेकिन यहाँ पर जैसा समय हमें दिखाई पड़ रहा है, जैसी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, उसका अर्थ यही है कि समय अपनी तीव्र गति से उस अवस्था तक पहुँच रहा है, चारों तरफ ऐसा माहौल है और इस घड़ी में हमें एवर रेडी होके अपनी स्थिति में स्थित होना है। और वो स्थिति होती है कि एक की याद में समा जाना। अब एक की याद में समाने के लिए एक के साथ हमारे कनेक्शन होने बड़े जरूरी है। और अगला आपने कहा है कि इसके लिए हमें मुख्य क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तो हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि सर्व संबंध हमें बाबा के साथ जोड़ने हैं और सर्व संबंधों का रस हमें बाबा से लेना है। जैसे आज का समय है, हमें ये दिखा रहा है कि आज आप कहीं पर भी हो, अगर आप बाबा के साथ कंबाइंड हो तो बाबा आपके साथ ही है, बाबा आपके साथ खड़े हैं और वहीं पर आपके लिए सब कुछ है जहां पर भी आप रहते हो। तो बाबा से जुड़े रहने के कारण जो भी परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द आएंगी, उसमें हम एवर रेडी रहेंगे उनको फेस करने के लिए। हम अपनी स्थिति में एवर रेडी रहेंगे। और ये बहुत सिंपल पुरुषार्थ भी है, क्योंकि जितना स्नेह होगा उतना ये पुरुषार्थ ईजी होगा, उतना ही आप हर स्थिति में अपने आप को बनाए रखेंगे और कोई भी परिस्थिति आएगी आपकी स्थिति ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ओम शांति।